शेतकऱ्यांचा तो नेता आपल्या गावच्या मातीतला दिबा पाटलांचं नाव द्या हो नवी मुंबई विमानतळाला. अन्याय तराजू तोल तैर न्याय अन्याय तराजू तोल तैर भूमी पुत्र माझा जिद्दीन लढ तैर न्याय अन्याय तराजू तोल तैर भूमी पुत्र माझा जिद्दीन लढ तैर शेतकऱ्यांचा तो नेता आपल्या गावच्या मातीतला दिबा पाटलांचं नाव द्या हो नवी मुंबई विमानतळाला. शेतकऱ्यांचा तो नेता आपल्या गावच्या मातीतला दिबा पाटलांचं नाव द्या हो नवी मुंबई विमानतळाला. एक होऊनी समाज सांगतय र एक होऊनी समाज सांगतय र भूमिपुत्र माझा जिद्दीन लढतय र न्याय अन्याय तराजू तोलतय र भूमिपुत्र माझा. देखिए यहाँ पर जो आज जनसमुदाय उपस्थित है वो सिर्फ बाला साहब का ठाकरे का नाम और दिबा पाटिल साहब का नाम जो सामने आ गया. एक्चुअली में 2008 से ये संघर्ष समिति द्वारा दिबा पाटिल साहब का ही नाम आगे आया था. यहाँ के थाना के पालक मंत्री और सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो बाला साहब का नाम आगे किया उसके बाद ये भूमि पुत्र में एक संताप पैदा हुआ है क्योंकि दिबा पाटिल साहब ने 1971 में जब सिडको ने जमीन संपादित की तब से लेके दिबा पाटिल साहब का जो 5 साल पहले अंत हुआ देहांत हुआ उसके उस समय तक सिडको जेएनपीटी और जो भी प्रशासन यहाँ के है उनके खिलाफ सातत्यपूर्ण आंदोलन करते आए हैं. तो दिबा पाटिल साहब की वजह से 12.5% की जमीन जो पूरे देश में ये कहीं भी कायदा कानून लागू नहीं था जो दिबा पाटिल साहब ने ये लागू किया और उस समय 15,000 रुपया और 27,000 रुपया एकरी भाव दिलवाया उसके बावजूद 12.5% जमीन मिलने के बाद आज के जो यंग तरुण पीढ़ी है उनको दिबा पाटिल साहब का आंदोलन तो मालूम नहीं था पर उन्होंने किया कार्य और आज अगर उन्होंने जो 12.5% का जो भूमि का मुबदला नहीं दिया होता तो आज के तारीख में ये यंग पीढ़ी के पास जो आज घर बनाए है जो आज गाड़ी है ये सब दिबा पाटिल साहब की देन है. इसलिए हमारी सबकी मांग है कि दिबा पाटिल साहब का जब तक नाम नहीं देंगे तब तक जब ये संघर्ष समिति जो तय करेगी जब जब तब तब ये यंग जनरेशन महिला वर्ग यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थित होगी. ये जो मांग है ये 2008 से चालू है इसलिए पिछला क्या हुआ उससे अच्छा जब 8 से सातत्यपूर्ण मांगनी जब कर रहे थे तो यहाँ की जो बहुजन विकास समिति है जो ओबीसी समिति है उनके द्वारा ये सब ठहराव जा रहे थे. ये बात खाली जब बाला साहब का नाम आने के बाद से ये संघर्ष चालू हुआ है. उसके अलावा इसमें राजकारण अभी क्या है कोई भी बोलेंगे कि इसने नहीं किया उसने नहीं किया. भूमिपुत्र लोग यही चाहते हैं कि दिबा पाटिल साहब का नाम आवे वो किसी हाल में आए अभी केंद्र सरकार के हाथ में यह है ये सब बराबर है पर यहाँ से भूमिपुत्र जब लड़ाई देंगे ये जो संघर्ष होगा तब ये जाके शासन दरबार तक इसका आवाज पहुँचेगा. हो सकता है महाराष्ट्र शासन की तरफ से अगर दूसरा नाम भी आता है तो केंद्र सरकार तय करेगी. जब स्थानीय लोगों की ये अगर मांग है और यहाँ के दोनों विधायक भी अगर इसी भी मांग में है तो मुझे लगता है दिबा पाटिल साहब का नाम जरूर दिया जाए और नहीं देंगे तब तक सिडको के खिलाफ और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी है. शेतकऱ्यांचा तो नेता आपल्या गावच्या मातीतला दिबा पाटलांचं नाव द्या हो नवी मुंबई विमान.